नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल आदित्य शर्मा एंड स्वागत है हमारे अपने चैनल कपिल इनफील्ड पे। सो दोस्तों, आज आपको मिलेगा सुपर मीटियोर। मैं करूंगा आज आपको इस बाइक की टॉप स्पीड टेस्ट, जिसमें मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर, 0 से 100 कितने सेकंड पहुंचती है, साथ साथ में इसकी टॉप स्पीड क्या आती है इस बाइक की, तो हम चेक करेंगे। हाईवे पर तो चलते हैं, हाईवे सीधे यहाँ से और इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। और अगली वीडियो में आएगा पावर टेस्ट, जिससे पावर टेस्ट की वीडियो देखेंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो आपके पावर टेस्ट की लगेगी, इसमें आपको पता लगेगा कि सुपर मीटियोर की पावर कैसी, इसकी ब्रेकिंग कैसी है और सब कुछ डिस्कशन करूंगा आपको वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड से जरूर देखना। दोस्तों, मैं आ गया हूँ हाईवे के ऊपर और जैसे आप देख रहे हैं मेरी बाइक जीरो पे है और न्यूट्रल पे है। इसमें आपको गियर आपको दिखते रहेंगे, आपकी बाइक कौन से गियर पे चल रही है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे क्या इसकी टॉप स्पीड आती है, फिर देखेंगे 0 से 100 कितने सेकंड में पहुँचती है। फर्स्ट गियर पे बाइक की स्पीड क्या आती है, फर्स्ट गियर पे 60। वाह भाई वाह भाई, बहुत शानदार। और सेकंड पे 100, 95 तो गई है सेकंड पे, वाह भाई वाह। और थर्ड पे आ गई है 120, ओ भाई बहुत शानदार। मतलब इतनी पावर मैंने अज्यूम नहीं की थी कि ये 120 तक भागेगी। एक बार और देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे क्या आती है, फिर 0 से 100 कितने सेकंड में बाइक पहुंचती है सेकंड काउंटर पे, क्योंकि भाई मैं मुँह से बोलूँगा तो मुँह से काउंटिंग करने से जाती है, तो मुँह से नहीं बोलूँगा मैं। बाकी एक बार और हम देख लेते हैं फोर्थ गियर पे भी, देखें टॉप स्पीड क्या आती है। तो फोर्थ गियर भाई 160-140 आराम से भागेगी। तो थोड़ा बाइक के बारे में भी बात करूंगा आपसे, मतलब टॉप स्पीड चलेगी ना अपनी बाइक की, तो उसके बाद बात और करूंगा आपसे बाइक की थोड़ी डिटेल के बारे में कि डिटेलिंग बाइक की क्या है हमारे की। सुपर मीटियोर 650 भाई बहुत ही पावरफुल बाइक है, बहुत दमदार बाइक है, बाइक के नाम से ही बिकती है अपने। तो एक बार और मैं रोक कर इसको टेस्ट करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे। बाइक रोक दी मैंने न्यूट्रल, तो फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर पे आई है बाइक 60। वाह भाई वाह, बहुत शानदार। ये 95 है, 90 नहीं है। और थर्ड गियर पे बाइक आ गई है 120, मतलब 115, ये 118, पर 120 एग्जैक्ट नहीं है। तो अब यहीं से देखते हैं भाई टॉप स्पीड इस बाइक की क्या निकल। तो थर्ड गियर पे आ गए निकलते हुए, फोर्थ गियर लग गया अपनी बाइक का, 6 स्पीड गियर बॉक्स है बाइक के अंदर, 140 तक भाग गई है, वाव। और 140 के बाद थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड हो गया भाई, रोड चाहिए आपको खुला इस बाइक के लिए, रोड खुला नहीं है। फिफ्थ गियर पर अपनी बाइक है, तो देखते कितनी भागती है। भाई 140 से ऊपर बाइक भगा नहीं जा रही, क्योंकि क्या है ना, रोड बहुत छोटा पड़ गया है और 140 तो बहुत प्यार से भाग गई है। अगर मुझे कोई रोड खाली मिल जाना है इस बाइक के लिए, तो ये बाइक बहुत प्यार से, मतलब 6 गियर ट्रांसमिशन है, तो 160-180 तक ये बाइक बहुत प्यार से भाग जाएगी। आप जैसे सीधे बैठे हो ना, सारा विंड प्रेशर आपकी बॉडी पर डायरेक्ट लग रहा है, और भाई देख रहे हैं रोड बहुत छोटा है, रोड में बम्प बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हैंडलिंग में डिस्कम्फर्ट है इस बाइक में। अगर आप भगाते हैं टॉप स्पीड में तो 120 तक आप भगाते हैं या 130 तक तो आपको ठीक है, पर जैसे 140 आप क्रॉस करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दिखेगा इस बाइक में। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप बैठे बिल्कुल सीधे बैठे हैं, सारा विंड प्रेशर आपकी बॉडी पर आ रहा है डायरेक्टली, और आपके पैर आगे की तरफ है। क्रूजिंग बाइक है तो क्रूजिंग बाइक ऐसे भगाने के लिए नहीं होती है, पर इस पर क्या विंड प्रेशर सही आपके ऊपर आ रहा है, तो आपको जो विंड प्रेशर ना आपकी बॉडी के पीछे फेंक रहा है, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी पीछे जा रही है, तो बार बार लग रहा है कि जैसे आपके जो हाथ से बाइक निकल के नीचे भाग जाएगी। बाकी एक और हम टेस्ट करेंगे थोड़ा छोटा सा रोड से यूटर्न मारने के बाद में। सुपर मीटियोर 650 में पावर बहुत दमदार दबा के दी हुई है रॉयल एनफील्ड ने, तो इस पावर को आप यूटिलाइज अच्छे से करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कोई भी इसको टॉप स्पीड भगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बिना एक्सपीरियंस के अगर आप भगाते हैं तो आपके लिए और सामने वाले के लिए जानलेवा हो सकता है। ये कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, ये क्रूजिंग बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, आप उसको आराम से भगा सकते हो। मेरी आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, बाकी बाइक भी भगाते हो अभी, उसमें मैंने बाइक काफ़ी अच्छी अच्छी स्पीड तक भगाई गई हैं, पर क्या है कि क्रूजिंग बाइक आप भगाने के लिए नहीं होती, तो आप इसको भगाने के पर्पज़ से बाइक मतलब उसको क्रूजिंग नॉर्मल राइड पर आप क्रूजिंग के लिए इसको ले सकते हो। आपको बहुत मज़ा देने वाली बाइक क्रूजिंग के लिए, और पावर आपको ऐसी देने वाली है कि किसी भी रोड कंडीशन पे, जहाँ पे रोड हो या ना हो,
तो आपको पावर ऐसी देगी कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रॉयल एनफील्ड से आपको वैसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि रॉयल एनफील्ड अपने नाम से ही बिकता है। रॉयल एनफील्ड में तो पावर है, पावर दमदार और दबा के पावर आती है, तो उसके लिए आपको निराश होने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब हम करेंगे 0 से 100 तक बाइक कितने सेकंड में पहुंचती है। सेकंड काउंट मीटर ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ 1 2 3 मुँह से बोलूँगा, फिर सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे अपने। थोड़ा सा रोड और खाली होने दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि भाई मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और किसी दूसरे बंदे की प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करें, चलो 1 2 3 स्टार्ट। तो बाइक अपनी 100 बहुत जल्दी पहुंच गई है, और 100 पहुंचने के बाद में आपको पता लग गया होगा कि बाइक कितने सेकंड में पहुंची है। तो भाई मुझे कमेंट में बताओ कि एग्जैक्ट सेकंड काउंट कितने सेकंड में बाइक अपनी 100 पहुंची है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, ताकि आप लोग अपने कमेंट से बताओ बाइक अपनी कितने सेकंड में 100 पहुंची है। भाई मैं वेट कर रहा हूं आपकी आपके कमेंट का, और अपने वैल्यूएबल कमेंट आप जरूर छोड़ के जाना वीडियो में। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग एक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता रहे हैं। देखते हैं किसका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो वेट करो आपके टाइमिंग का। अब दोस्तों क्या है कि जैसे मैं बाइक को भगा रहा था, मैंने एक चीज़ जो महसूस की, जो हमारे रोड है ना, रोड में बम्प बहुत है बीच में, और इस वजह से बाइक बहुत बाउंस दे रही थी। तो यहाँ भगाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको प्लेन हाईवे पर यमुना एक्सप्रेस जैसे है तो यमुना एक्सप्रेस से जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में यमुना एक्सप्रेस आपको दिखाऊँ उसकी फुल टॉप स्पीड कितनी आने वाली है। तो आप वेट करिए थोड़ा सा चैनल पे मेरे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कर रहे हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर है, मेरे इंस्टाग्राम के फेसबुक की भी है, या मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके की आप मुझे क्वेश्चन कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट करो, और साथ में इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद एंड में ना मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आपको इस बाइक का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप देख के एंजॉय करो। तब तक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।